Bismillah Rahman Rahim. Today's topic is kinetic molecular theory of the gases. Actually, kinetic molecular theory of the gases is a conclusion of different laws and different properties like Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, even Graham's law, Dalton's law. ये उनका एक कंक्लूजन है. बाद में हम इस थ्योरी की मदद से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ उसको प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे कि वाकई वो प्रूफ हो जाते हैं. अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ आए तो इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया. सबसे पहले बर्नौली हमारे पास साइंटिस्ट है, उसने इस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स प्रोवाइड किए, मेन मेन पॉइंट्स उसके जो थे पॉस्टुलेट्स उसने दिए. उसके पॉस्टुलेट में पहला जो पॉस्टुलेट है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. व्हाट इट मींस, इट मींस अ गैस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. गैस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ये है कि गैस में कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें हजारों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. चाहे आपके पास वो मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है जैसे कि हीलियम हो गई या नियॉन हो गई, या अगर डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक गैसेस क्या हो गई, हाइड्रोजन हो गई. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉस्टुलेट हो गया. दूसरा पॉस्टुलेट हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होती है. क्यों कोलिजन होती है? मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हाई एनर्जी है, मूव करते हैं. दैट रिमेन्स इन मोशन. मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन मोशन एंड इन मोशन इट विल कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड विद वॉल ऑफ द कंटेनर. मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से या वॉल ऑफ कंटेनर पे जाके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. जैसे कोलिजन होगी तो उस कोलिजन में वहां पे प्रेशर एग्जर्ट होगा. व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर विल एग्जर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. ये थर्ड पॉस्टुलेट हो गया. फिर हम ये कहते हैं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं. एम्प्टी स्पेसेस, ये नेक्स्ट पॉस्टुलेट है. मॉलिक्यूल्स अवे एग्जिस्ट करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, सो देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. ये हमारा फोर्थ पॉस्टुलेट हो गया. अब ये एम्प्टी स्पेसेस क्यों है? एम्प्टी स्पेसेस की तरफ हम जाते हैं तो फिर हम फोर्सेस की बात करते हैं. ये फिफ्थ पॉस्टुलेट है हमारा. फोर्सेस यहां पे क्या है? फोर्सेस हम ये कहते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं गैसेस में तो फिर हम ये कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल फोर्सेस होते हैं. इसलिए तो मॉलिक्यूल्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट होती हैं. फिर अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द गैस, देखें अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी लेकिन ओवरऑल उन्होंने एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ होगा. तो अगर हम उसके एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर करेंगे तो फिर हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the volume is also negligible volume. Next, अगर हम इसकी gravity की बात करें, gases are not attracted towards gas toward the gravity. There is no effect of gravity on gas molecules according to this theory. ये theory ही कहती है. लास्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी में हम ये कहते हैं
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड, ये हमारे पास्टुलेट्स हो गए। इसमें नो डाउट बाद में कुछ पास्टुलेट गलत भी साबित हो गए जब बाद में रिसर्च हुई गैसेस के बारे में, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं, देयर आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स रिमेन इन मोशन कोलाइड विद ईच अदर एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन एग्जर्ट सम प्रेशर, मॉलिक्यूल्स अवे एग्जिस्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड फोर्सेस एंड वॉल्यूम आर नेग्लिजिबल, ग्रेविटी इफेक्ट इज मिनिमम एंड if we increase the temperature of the gas molecules, the kinetic energy is also increased. ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। फिर हम इक्वेशन की तरफ हम आते हैं। ये दूसरे साइंटिस्ट क्लैशियस की बात करते हैं। इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है वो प्रोवाइड की, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया अभी गैस मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट पैरामीटर्स का रिलेशनशिप क्या है इसमें। अब जो रिलेशनशिप हमारे पास है दैट इज पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सीवर स्क्वायर, ये कंक्लूजन है। इसमें अगर मैं इसको लेबल करूं दैट इज पी इज अ प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम एंड एम इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कैपिटल एन दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सीवर स्केयर इज अ मीन स्केयर वेलोसिटी, मीन स्केयर वेलोसिटी। ये रिलेशनशिप है इसमें, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सीवर स्केयर, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसमें मीन स्केयर वेलोसिटी की बात करें, मीन स्केयर वेलोसिटी की अगर हम बात करें जिसको हमने सी बार स्केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बताया, वेलोसिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी वो एक और साइंटिस्ट है मैक्सवेल। मैं यहां पे एक छोटा सा रिलेशन बताता हूं फिर मैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों को यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज ये मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज कर रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज मैं 100% गैस मॉलिक्यूल्स की यहां पे बात करता हूं, क्या इन तमाम गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और एनर्जी सेम होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी हाई वेलोसिटी होगी, हाई वेलोसिटी होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी लो वेलोसिटी होगी, और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी मॉडरेट वेलोसिटी होगी, मॉडरेट वेलोसिटी होगी। सबकी स्लो नहीं होगी, सबकी हाई भी नहीं होगी, कुछ ऐसे होंगे जो मिनिमम वेलोसिटी से मूव करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हाई वेलोसिटी से मूव करें होंगे, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो मॉडरेट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हाई एनर्जी होती है वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिनकी लो एनर्जी होती है वो लो वेलोसिटी से मूव करते हैं, और जिनकी मॉडरेट एनर्जी होती है वो मॉडरेट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशनशिप ये दिया था। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन जो मैक्सवेल ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दी, मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, और बोल्ट्जमैन ने क्या किया, ही एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जब हम उसको कलेक्टिव देखते हैं क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है, तो हम उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं, जिसमें हमारी एनर्जी और वेलोसिटी आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब ये जो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल्स हैव लो वेलोसिटी, मॉलिक्यूल हैव हाई वेलोसिटी, मॉलिक्यूल हैव मॉडरेट वेलोसिटी, ओवरऑल हम नहीं कह सकते, फिर हम इनका एक
रेशो निकाल के मीन स्केल वेलोसिटी देखते हैं तमाम ओवरऑल एवरेज करके। इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी की एक टर्म यूज भी की जाती है, एवरेज वेलोसिटी, इसकी भी एक टर्म हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी की टर्म हम यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर हम एवरेज वेलोसिटी या फिर हम मीन स्केल वेलोसिटी की टर्म यूज कर रहे होते हैं, मीन स्केल वेलोसिटी। ठीक हो गया, ये तीन टर्म्स वैसे यूज की जाती हैं। यहां पे हमने जो डिस्कस करना है वो सिर्फ मीन स्केल वेलोसिटी की बात करनी है। अब मीन स्केल वेलोसिटी है क्या, हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम ये कहते हैं हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स को यहां पे देखें, सपोज मेरे पास N1 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, N3 मॉलिक्यूल है, उनकी अगर हम वेलोसिटीज की बात करें तो किसी की C1 स्केयर है, C2 स्केयर है, अप टू C1, ये उनकी वेलोसिटीज हैं। फिर इन्हीं वेलोसिटीज से हम मीन स्केयर वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं, जिसकी जो डेरिवेशन है वो C1 स्केयर इज इक्वल टू C1 स्केयर प्लस C2 स्केयर प्लस C3 स्केयर प्लस C4 स्केयर एंड प्लस C1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस C1। ऊपर एनर्जी है उसकी वेलोसिटीज होगी, नीचे क्या हो गया उसके मॉलिक्यूल्स होगा। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C1 स्केयर इज इक्वल टू C1 स्केयर, C2 स्केयर, C3 स्केयर, C4 स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, क्योंकि N हमने ये कहा था दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन ये के हम ये कह सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस C1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल N, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज मीन स्केयर वेलोसिटी। मीन स्केयर वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिटरमाइन करते हैं। फर्दर अगर हम इसकी डेरिवेशन पे जाए, फर्दर अगर हम इसकी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं तो हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 mnC² है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फर्दर रिलेशन की तरफ भी हम आते हैं। इसमें एक हम ये देखते हैं कि M that is equal to capital M, ये एक relation है, mass of one gas, one molecule of the gas multiplied by total number of molecules is equal to molar mass। ये कैसे है? ये example से मैं helium की example यहाँ पे quote करता हूँ और इससे मैं prove करता हूँ। मुझे ये पता है कि एक molecule helium का mass कितना होता है? एक मॉलिक्यूल का मास होता है 4 amu, 4 ग्राम्स नहीं, 4 amu, ये एक हीलियम के मॉलिक्यूल का मास है। अगर इसको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूं, चैप्टर नंबर 1 में हम स्टडी करते हैं 1 amu = 1.661 × 10⁻²⁷ kg, तो अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूं दैट इज 4 × 1.661 × 10⁻²⁴ grams, ग्राम्स मैंने लिखा, अगर किलोग्राम्स लिखता तो मैं −27 लिखता। ठीक हो गया, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 6.644 × 10⁻²⁴ grams। ये ग्राम्स में मास किसका आ गया? एक गैस के मॉलिक्यूल का। अब अगर मेरे पास 1 mole है गैस, 1 mole है गैस, तो टोटल N की तादाद कितनी है? 6.02 × 10⁻²³, ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में। अब एक का मास अगर इतना है तो इतने का मास कितना होगा? तो फिर हम ये देखते हैं M क्या चीज है हमारे पास? M हम कहते हैं 6.644 × 10⁻²⁴ × 6.02 × 10⁻²³।
इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आता है 3.99 grams, मतलब 4 grams. 4 grams एक्चुअली क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ द हीलियम, मतलब 6.02 एक मॉलिक्यूल का मास ये है, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, वो मोलर मास के इक्वल हो गया. इट मीन Mn is equal to capital M. ये प्रूफ हो गया यहां पे. अब जरा फर्दर हम इसको देखते हैं. Pb is equal to 1/3 mc bar square. Mn की जगह मैंने यहां पे क्या capital M present कर दिया. अब अगर हम c bar square को एक साइड पे रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 3pv divided by m. ठीक हो गया, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हम इनका अंडर रूट ले लें, ये भी अंडर रूट आ जाए, ये भी अंडर रूट आ जाए, तो इसे हम कहते हैं दैट इज सी आर एम एस, दैट इज इक्वल टू 3pv/m. अब ये सी आर एम एस क्या चीज है, सी आर एम एस इज इक्वल, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये यहां पे हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहां पे प्रूव होगी 3pv डिवाइडेड बाय m. इसको हम एक और एंगल से भी यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. pv इज इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर. हमने जनरल गैस इक्वेशन में ये पढ़ा था pv इज इक्वल टू nRT, और अगर 1 मोल है तो pv इज इक्वल टू RT व्हेन n इज इक्वल टू 1. RT के बराबर हो गया तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, RT is equal to 1/3 mc bar square, mn is equal to m. तो अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो c bar square is equal to 3RT divided by m. तो अगर हम इनके अंडर रूट ले लेते हैं, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो हम ये पूछते हैं CRMS is equal to 3RT over M under root. Root means square velocity. ये यहां पे भी proof हो गए. अब अगर हम यहां पे relation की बात करें, root mean square velocity is directly proportional to temperature. Temperature जितना ज्यादा होगा, root mean square velocity उतनी ज्यादा होगी. And root mean square velocity is inversely proportional to molar mass. Molar mass के inversely proportional है. मतलब अगर molar mass gas का बढ़ेगा, तो उसकी root mean square velocity क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ये यहाँ पे हमने prove किया. Same relationship यहाँ पे हम pressure volume के साथ भी देख सकते हैं. यहाँ पे हम RT over M, R वैसे constant. तो यहां पे आके हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है. ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की. ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, फिर उनकी एनर्जीज और वेलोसिटीज. थैंक यू वेरी मच.